और भाई लोग, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम ठीक ठाक? तो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है ऑगडेन नैश। यार ये पोएम ना बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी पोएम देखकर सब डर जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। ये पोएम यार इसलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि यार इसको बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। बैलेड यार एक तरह का पोएम लिखने का स्टाइल है, जिसमें यार हम लोग पोएम को गा सकते हैं या फिर उसको स्टोरी के तौर में सुना सकते हैं। मतलब होता है ना कि एक पोएम के जरिए हम पूरी की पूरी एक कहानी सुना देते हैं, या फिर एक पोएम ऐसा लिखते हैं जिसको हम लोग अच्छे से गा के सुना सकते हैं। तुम्हें याद होगा यार, बचपन में हम लोग जॉनी जॉनी या फिर लिटिल स्टार जो हमारा पोएम था यार, उसको हम लोग एकदम गा के सुनाते थे अपने पेरेंट्स को। तो इस पोएम को भी यार बिल्कुल उसी ढंग से लिखा गया, और तुम इसको यार गा सकते हो जैसा कि यार तुम लोग बचपन में गाते थे पोएम को। जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है ना जी। ये कौन सा गाना भाई? ये तो अक्षय कुमार का गाना गा रहा हूं मैं। नहीं नहीं जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, टेलिंग अ लाई नो पप्पा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो यार बिल्कुल इसी ढंग से तुम इस पोएम को भी गा सकते हो, ठीक है ना बाबा? ना मैं इसको गा के सुनाने वाला नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो, ठीक है। मैं तुम्हें यार इसको बस कहानी के तौर पर सुनाऊंगा। तो चलो यार इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यार इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यार बेलिंडा, और बेलिंडा के पास यार कुछ पालतू जानवर है, जैसे कि उसके पास बिल्ली है, कुत्ते हैं और अलग अलग प्रकार के यार जानवर है। और इस पोएम में तुम्हें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि जो भी इसके पास पेट्स हैं यार वो असली के हैं। हो सकता है यार इसके पास छोटे छोटे खिलौने होंगे, एक छोटा सा कुत्ता होगा, छोटी सी बिल्ली होगी खिलौने वाली, और उसमें वो आपस में खिला रही होगी, या फिर हो सकता है इसने असली में कुत्ते बिल्ली पाल रखे होंगे। इस पोएम में कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो एक खिलौना है या फिर एक रियल है। मुझे तो लग रहा है यार उसके पास खिलौना ही होगा। तो यार ये जो लड़की है ना बेलिंडा, एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, और इसके पास एक छोटा सा ब्लैक किटन है। किटन मतलब यार एक छोटी सी बिल्ली है, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस भी है, ठीक है, और एक छोटा सा येलो कलर का कुत्ता है, और एक छोटा सा रेड कलर का वैगन है। यहाँ पर वैगन का मतलब यार एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें हम लोग सामान वामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है। एंड ए रिलियो ट्रिलियो लिटिल ड्रैगन, और इसके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी है। लेकिन यार रिलियो ट्रिलियो का मतलब क्या है? रिलियो का मतलब है रियली, और ट्रिलियो का मतलब है ट्रूली। लेकिन रियली और ट्रूली को ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि यार पोएट जो है ना इस पोएम को एकदम गाने के फॉर्म में लिखना चाहते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इन्होंने यार चेंज करके गाने के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, ताकि इनका सुरताल एकदम बैठा रहे। एक होता है ना यार जब हम लोग गाना वाना लिखते हैं तो लहजा एकदम मिलना चाहिए, इसलिए यार रियली को इन्होंने रिलियो और ट्रूली को इन्होंने ट्रूलियो लिख दिया है, ताकि गाने का सुरताल एकदम बैठा रहे, वर्ड्स एकदम मिलते जुलते से हो। और बेलिंडा के पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है, यानी कि उसके पास जो कैट है यार उसका नाम इसने इंक रख रखा है, और जो ग्रे कलर की माउस है या छोटी सी उसका नाम इसने ब्लिंक रख रखा है। कुत्ता यार येलो कलर का है, इसलिए उसने उसका नाम जो है मस्टर्ड रख दिया है, क्योंकि यार मस्टर्ड भी येलो कलर का होता है। और इसके पास जो ड्रैगन है उसका नाम इसने रख रखा है कस्टर्ड, क्योंकि यार ये कॉवर्ड है, कॉवर्ड मतलब ये डरपोक है, कायर है, इसीलिए कस्टर्ड नाम रख दिया। जो ड्रैगन है यार जिसका नाम इसने कस्टर्ड रख रखा है, उसके पास यार बड़े बड़े नुकीले दांत है, और इसके टॉप पर छोटे छोटे स्पाइक्स है, जैसे कि यार असली का ड्रैगन होता है ना उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, उसी ढंग से इसके ऊपर भी है। ड्रैगन का जो मुंह है यार वो फायर प्लेस है, वहां से आग निकलती है। तुमने अगर कोई ड्रैगन वाली मूवी देखी होगी ना तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि यार ड्रैगन जो है वो आग छोड़ते हैं अपने मुंह से, यार आग को छोड़ते हैं, आग उगलते हैं, और नाक से यार धुआं निकलता है। इसलिए यहाँ भी लिखा है कि चिमनीज फॉर ए नोज, जो ड्रैगन का नोज है यार वो एक तरह की चिमनी है जिससे यार धुआं निकलता है। चिमनी तुमने देखा होगा यार गांव वगैरह में चिमनी होती है जिसमें ईंटा वगैरह बनता है, या फिर फैक्ट्री वगैरह की चिमनी होती है जिसमें से धुएं निकलते हैं। तो उसी तरीके से इसका जो ड्रैगन है यार वो एक तरह का चिमनी है जिसके नाक से यार धुआं निकलता है, और मुंह जो है वो एक तरह का फायर प्लेस है जिसमें से आग निकलता है। और इसके ड्रैगन के जो पैर के नाखून है ना वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, एकदम नोखीले हैं, जैसे कि यार एक चक्कू होता है ना हमारा, एक नाइफ होता है एकदम शार्प होता है, उसी ढंग से यार इसके ड्रैगन के नाखून भी हैं। ड्रैगन यार एक तरह का चाकू होता है जो कि यार बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, जो कि यार मर्डर वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत ही नोखीला होता है ना इसीलिए। टोज यार पैर की उंगलियों को कहा जाता है। अब यार हमें बताया गया कि कौन कितना ब्रेव है, कौन कितना स्ट्रांग है। बेलिंडा जो हमारी छोटी सी लड़की है यार वो एक पूरे भालू के झुंड से भी ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा ब्रेव है वो। और इंक और ब्लिंक जो है ना वो इतने ताकतवर है कि वो एक लायन को भगा सकते हैं। इंक यार उसके कैट का नाम है, और ब्लिंक यार उसके माउस का नाम है। और मस्टर्ड जो है यार, यानी कि उसका एक छोटा सा येलो कलर का जो कुत्ता है यार, वो एक टाइगर के दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब जब टाइगर गुस्सा होता है ना एकदम खतरनाक लुक लगता है उसका, उससे भी ज्यादा ताकतवर है इसका कुत्ता। ऐसे भी हर कुत्ता यार अपने गली में शेर ही होता है, तो ये भी शेर है, समय आने पर पता चलेगा। और जो कस्टर्ड है वो हमेशा पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता है, यानी कि जो उसका ड्रैगन है यार वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, बहुत ही ज्यादा कायर है, इसलिए वो हमेशा पिंजरे में जाने की कोशिश करता है। और ड्रैगन को यार ये लोग सब मिलकर ना बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, जो भी यार इसके कुत्ते बिल्ली हैं, या फिर जो लड़की है जो हमारी बेलिंडा है यार, वो खुद भी यार उसको बहुत ही ज्यादा तंग करती रहती है। बेलिंडा यार उसको तंग करने के लिए गुदगुदी करती है, एकदम बिना तरस खाए हुए उसको गुदगुदी करती रहती है। टिकल्ड का मतलब यार यहाँ पर गुदगुदी करना है। और जो भी यार इसके कुत्ते बिल्ली है, यानी कि इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है, वो यार इस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा रूडली जो है चिढ़ाते रहते थे। उसको ये लोग यार परसिवल कह के चिढ़ाते थे, बहुत ही रूडली चिढ़ाते थे। परसिवल यार एक सोल्जर था जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो कभी भी लड़ाई में लड़ने नहीं गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था।
और इसीलिए ये लोग ड्रैगन को परसीवल कह के चिढ़ाते हैं, क्योंकि यार ड्रैगन का लुक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, लगता है कि यार ये तो मतलब सबकी फोड़ डालेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, वो हमेशा पिंजरे में जाने के लिए ही कहता रहता था, तो इसीलिए ये सब उसको ऐसे चिढ़ाते थे। और उसको चिढ़ाने के बाद यार ये लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंसते थे, वो लोग यार रेड कलर का जो उसका वैगन था ना उसमें बैठ जाते थे, उसमें सभी लोग उस पर बैठ के और उस ड्रैगन पर हंसते थे। बिलिंडा यार तब तक हंसती थी जब तक यार वो पूरे घर को हिला नहीं देती थी हंस हंस के। ब्लिंक भी विक करता था, विक यार यहाँ पे माउस की हंसी को कहा गया है। और इंक और मस्टर्ड यार हमेशा रूडली उससे उसका एज पूछते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, उसको यार एहसास दिलाना चाहता कि तू तो अभी बच्चा है यार, कमजोर है, चल निकल ले यहाँ से। इसीलिए उस ड्रैगन का हमेशा एज पूछते रहते थे। और हमारा ड्रैगन बेचारा हमेशा ही पिंजरे में जाने के लिए रोते रहता था, मम्मी मुझको ये सब चिढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे आइला मैं यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं अपनी माँ को बोलेगा। वो यार कुछ ऐसा बोल रहा होगा और फिर सडनली यार उन लोग को एक नेस्टी साउंड सुनाई देता है। उसका जो कुत्ता होता ना मस्टर्ड यार वो भाव भाव चिल्ला रहा था, और जो इंक थी यानी कि जो बिल्ली थी यार वो म्याऊच करती है, और ब्लिंडा यार ओह कहती है। वो लोग यार ऐसा इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि यार उन्होंने एक पायलट को देख लिया था जो कि यार उनकी विंडा पे चहर रहा था। विंडा यार यहाँ पर विंडो को कहा गया है, फिर से यार वही बात है, राइमिंग मिलाने के लिए विंडोज को विंडा कर दिया। और पायलट मतलब होता है यार समुद्री लुटेरा, एक डाकू जो होता है ना जो कि यार शिप पर अटैक वगैरह करता है और उसको लूट लेता है, समुद्री लुटेरा, उसको यहाँ पर पायलट कहा गया है। उस पायलट के यार लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था और राइट हैंड में भी पिस्टल था, यानी कि दोनों हाथ में यार वो बंदूक लिए हुए उन लोगों के सामने आ रहा था। उसने अपने दांत के अंदर में कुछ कटलेस ब्राइट रख रखा है, हो सकता है यार ब्लेड वगैरह रख रखा हो, क्योंकि यार डाकू वगैरह ब्लेड रखते हैं ना ताकि जो भी उनके सामने आए वो उसको मार डाले, खलाश कर दे एकदम। उसकी यार बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की दाढ़ी थी और एक पैर जो है यार वो उडेन का था। तुमने वो मूवी देखी है हॉलीवुड वाली जिसमें यार हीरो का नाम शायद जैक स्पैरो होता है, उसमें एक यार डाकू होता है जिसके यार एक पैर जो होता है लकड़ी का होता है और यार उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, तो यार बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक डाकू यार इन लोगों के सामने भी आ जाता है। बेलिंडा यार बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। प्लेट का मतलब होता है यार पीला पड़ जाना, डर के मारे पीला पड़ जाना, तो बेलिंडा की यार डर के मारे फट जाती है, वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। और मस्टर्ड भी यार डर के मारे पूछ हिलाते हुए भाग जाता है, जैसे कि यार अक्सर कुत्ते करते हैं डर के मारे। इंक भी यार वहां से भाग जाती है, उसकी जो बिल्ली होती है यार वो भी यार किसी चीज के नीचे जाकर छुप जाती है, और जो माउस होता है जिसका नाम होता है यार ब्लिंक, वो भी यार माउस होल में जाकर छुप जाता है, घर में जो उसके चूहे का जो बिल होता है ना उसमें जाकर वो छुप जाता है। यार हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, बहादुर थे, लेकिन इस समुद्री लुटेरे को देखकर इन सबकी फट जाती है और ये सारे के सारे भाग जाते हैं। तभी यार कस्टर्ड जो है कूदते हुए अपने पिंजरे से निकलकर इस पायलट के सामने आ जाता है। जब हम लोग यार पिंजरे पर रड़ मारते हैं ना तो एक साउंड आती है ना, या फिर तुमने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में जब हम लोग जेल को खोलते हैं तो उनकी जो आवाज आती है, तो उसी ढंग से यार आवाज आती है और फिर यार कस्टर्ड जो है उन लोगों के सामने आकर कूद जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। कस्टर्ड यार एकदम से ही उस समुद्री डाकू के पास आकर टूट पड़ता है, जैसे कि यार रोबिन जो है एक वॉर्म पे अटैक करती है। रोबिन यार एक बर्ड है जो कि यार कीड़े मकोड़े खाती है, तो जैसा कि यार रोबिन अटैक करती है ना एक वॉर्म पर, तो सेम उसी तरीके से हमारा जो ये ड्रैगन है ना यार उस समुद्री डाकू के सामने आके पेश हो जाता है। फिर यार वो डाकू बहुत ही हैरानी के साथ मेलिंडा के ड्रैगन को देखने लगता है, वो यार बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने पॉकेट से यार ग्रॉग निकालता है और एक घुट पी लेता है। ग्रॉग यार एक तरह की ड्रिंक होगी, उसको यार वो पी लेता है और फिर दो गोलियां भी मारता है, लेकिन उनमें से यार एक भी गोली इन लोगों को नहीं लगती है। और फिर क्या यार ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है, ड्रैगन यार पूरा का पूरा उसको खा जाता है। ब्लिंडा यार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होकर यार उसको हक कर लेती है, उसको यार गले लगा लेती है। मस्टर्ड जो कुत्ता था यार वो उसको आकर चाटने लगता है, उस ड्रैगन को चाटने लगता है। इंक और ब्लिंक जो है यार वो खुशी से उसके आसपास में नाचने लगते हैं, उसके चारों तरफ यार नाचने लगते हैं, वो सभी के सभी यार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मस्टर्ड कहता है कि मैं तो इससे दो गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज हो गया था इसलिए मैं इसलिए अटैक नहीं कर पाया, मतलब यार वो अपनी सफाई दे रहा है। इंक और ब्लिंक कहते हैं हम तो उससे तीन गुना ज्यादा ताकतवर है जितना हम लोग सोचते थे। तो यार कस्टर्ड जो है ना चुपचाप एग्री हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम लोग यार जितने भी हो ना यहाँ सबके सब मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, यार ये जितने भी है सारे के सारे यार कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। जो भी यार मस्टर्ड इंक और ब्लिंक है ये सब कहते हैं कि मैं तो ज्यादा बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ, लेकिन जब यार सामने खतरा आया तो सबके सब फट्टू निकले और सबके सब भाग गए। और इससे यार हमें एक चीज तो सीखने को मिल रही है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे तुम्हें मिलेंगे अपने जीवन में जो यार कहेंगे अपनी तारीफ करेंगे कि हम तो ऐसे हैं हम तो ऐसे हैं, लेकिन जब हकीकत में उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे और भाग जाएंगे। तो भले ही यार तुम्हें कोई भी कितना कायर कहे या फिर तुम्हें डरपोक कहे, लेकिन यार तुम अपने आप में शक्तिशाली हो, ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना तुम्हारे सामने यार उसको तुम यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे। आगे यार शुरुआत में जो हमने दो पैराग्राफ पढ़े थे ना यार उसको फिर से रिपीट कर दिया गया है। बेलिंडा यार अभी भी उस छोटे से व्हाइट घर में रह रही है, उसके पास यार अभी भी वो ब्लैक किटन है यानी कि उसकी जो बिल्ली है वो अभी भी है, उसके पास यार अभी भी वो ग्रे कलर का माउस है, उसके पास यार अभी भी वो येलो सा मस्टर्ड जो उसका डॉग था यार वो अभी भी है उसके पास, और अभी भी उसके पास वो रेड कलर का वैगन है जिसमें ये सारे लोग घूमते हैं, और हमारा ड्रैगन तो है ही यार इसके पास। ब्लिंडा यार अभी भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा बहादुर मानती है और कहती है कि मैं तो जितने भी भालू हैं उन सबसे बहुत ज्यादा बहादुर हूँ। इंक और ब्लिंक यार अभी भी फेंक रहे हैं कि हम तो यार इतने बहादुर है कि लायन को भगा देंगे। मस्टर्ड यार कहता है मैं तो टाइगर के दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और हमारा कस्टर्ड यार अभी भी पिंजरे में जाने के लिए रोते रहता है। तो बस यार यहीं पर तुम्हारी ये पोएम खत्म हो जाती है।
जीवन में हमेशा यार एक चीज याद रखना, तुम यार अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। किसी की बातों में यार आकर अपने आप को कमजोर मत समझना, ठीक है। जीवन में तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सबकी फोड़ डालेंगे, लेकिन जब सामने खतरा आएगा ना सबकी फटकी चार हो जाएगी और सब भाग जाएंगे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करो, और अब तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।